ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से चल रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 18 जून से 22 जून के बीच में खेला जाएगा। 18 से 22 जून के बीच में साउथैम्पटन के मैदान में खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि आखिर वो कौन सी टीम होगी जो जीतेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इसी को लेकर इंग्लैंड क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कर दी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले से ठीक पहले इस तरह का बयान देना वाकई में हर किसी को हैरान कर रहा है। किसी किसी की बोली भी गोली से कम नहीं होती है और कुछ ऐसा ही है वो अंग्रेज भी जो है तो इंग्लैंड का दिग्गज क्रिकेटर पर एक नंबर का जलनखोर भी। उसे जलन हो रही है विराट कोहली से, भारतीय कप्तान की कामयाबी से। वो दौलत और शौहरत जो उन्होंने क्रिकेट और इससे परे भी एडवर्टाइजमेंट से बटोरी है, इंग्लैंड के दिग्गज को रास नहीं आ रहा है। तो अंग्रेज हैं तो फूट टोट डालेगा ही। लिहाजा सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए उन्होंने केन विलियमसन का नाम इस्तेमाल किया और एक तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान के कंधे पर बंदूक रखकर विराट कोहली पर निशाना साधा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर निशाना साधने वाले इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर ने क्या कहा है और क्या कहा है भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को लेकर आखिर क्यों हो रहा है हंगामा, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही में कमेंट सेक्शन में बताएं कि फाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर निशाना साधने वाले इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर का नाम है माइकल वॉन। वैसे तो आप उम्मीद कर ही रहे थे कि उनका नाम माइकल वॉन ही हो सकता है। इंग्लैंड के इस पूर्व कप्तान के बड़बोलेपन से हर कोई वाकिफ है। भारतीय क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों पर कसे इनके तंज के बारे में भी हर कोई अच्छे से जानता है। वॉन पहले भी काफी कुछ टीम इंडिया को लेकर और उनके खिलाड़ियों को लेकर काफी कुछ कह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी पर जुबानी हमला बोला है। इसके लिए केन विलियमसन का भी नाम इस्तेमाल किया है। माइकल वॉन ने कहा, अगर केन विलियमसन भारतीय होते तो वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते, लेकिन विराट कोहली के रहते उन्हें ऐसा नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो भारतीय नहीं है जो कि कोहली है। भारतीय कप्तान सोशल मीडिया के सिरमौर भी है और फेमस भी है। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। वॉन ने आगे कहा, मैं ये बातें इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि केन विलियमसन तीनों ही फॉर्मेट में बेस्ट हैं, लेकिन वो विराट कोहली की बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है। वो क्रिकेट से परे हर साल विज्ञापन से मोटी कमाई नहीं करते हैं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा। लेकिन अगर क्वालिटी क्रिकेट की बात की जाए तो कंसिस्टेंसी और पिचों के मिजाज के हिसाब से मैं विलियमसन को बैक करूंगा। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि आने वाले इंग्लिश समर में विराट के मुकाबले केन ज्यादा स्कोर भी करेंगे और कहीं न कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड भारत को मात दे सकती है। माइकल वॉन को तो जो कहना था वो तो उन्होंने कह दिया। दरअसल ऐसा कहकर उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं और क्रिकेट में आंकड़ों का ही सारा खेल होता है। वनडे क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली का औसत 43 शतकों के साथ 59 का है, वहीं विलियमसन 14 शतक के साथ में 47 का है। केन विलियमसन का टेस्ट औसत ऑस्ट्रेलिया में 41 का है जो कि विराट का 55 का है। इंग्लैंड में केन का 30 यानी 30 की औसत से रन बनाते हैं तो विराट कोहली 36 की औसत से। साउथ अफ्रीका में केन विलियमसन का औसत घटकर 21 का रह जाता है तो कोहली का बढ़कर 55 का हो जाता है। अब खैर माइकल वॉन बिना आंकड़े देखे ही भारतीय कप्तान विराट कोहली और केन विलियमसन की तुलना कर रही है। यही कहना चाहते हैं कि भारत में ज्यादा कमाई होने की वजह से विराट कोहली को अव्वल दर्जे का क्रिकेटर माना जाता है, लेकिन भाई ये आंकड़े भी तो बोलते हैं कि विराट कोहली है ही अव्वल दर्जे के खिलाड़ी। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।